गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन में शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के भोडाकला में स्थित ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू वेस्ट सोसाइटी विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर परिसर में राष्ट्रपति ने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और 2D रंगोली का अवलोकन भी किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए जहां सरकार अपना दायित्व तो निभा रही है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति को नारी शक्ति का सम्मान करते हुए उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज विश्व स्तर पर भारत संस्कारों के बल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। महामहिम ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे विज्ञान हो, कला, शिक्षा, इंजीनियरिंग या फिर राजनीतिक क्षेत्र। महिलाओं ने हर स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे बुलंद किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए माँ पहली गुरु व शिक्षक होती है जो उन्हें संस्कारवान बनाती है। इस प्रकार हमने धरती को भी माता का दर्जा दिया है। काम करती महिलाएं ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती। हमने ये सवाल पूछा होगा कि क्या बच्चों और घर की जिम्मेदारी केवल महिला हमें इस सोच को बदलने की जरूरत है। उन्हें परिवार से और उन्हें छोड़ने की जरूरत है। इसके लिए बिना किसी बाधा इसके बिना किसी बाधा के अपने करियर में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सके। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि आज महिलाओं को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की आवश्यकता है। केंद्र और हरियाणा सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। इसके फलस्वरूप आज देश की बेटियां अध्यापक और चिकित्सक से लेकर सेना में बड़े पदों पर आसीन हैं। उन्होंने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संस्कारों के समावेश के साथ भारत की पहचान दुनिया में कायम हो रही है। गुरुग्राम से करण जय सिंह, टोटल न्यूज़।